वेल, पिछले वीडियो में मैंने आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में माइनर अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया था। आपको वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा मैं हर बैंक अकाउंट का माइनर अकाउंट पे वीडियो बनाऊंगा। सो आज उसका पार्ट टू है। वैसे मैंने ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन तीन बैंक पे ऑलरेडी माइनर अकाउंट ओपन करने के वीडियो बना दी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे भी मैंने वीडियो बनाई है। सो ये है उसका अगला पार्ट। अगर आपने इनमें से किसी बैंक अकाउंट में ओपन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इनमें से कोई वीडियो देख के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कोटक महिंद्रा बैंक में कैसे अकाउंट ओपन करेंगे। कोटक महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैंक है, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर मिलते हैं। सो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इसके सारे फीचर्स, जो चीज़ अच्छी नहीं है वो भी बताऊँगा, सारे फीस एंड चार्जेस हिडन, कैसे अकाउंट ओपन होएगा, ऑनलाइन कैसे होगा, ATM कार्ड मिलेगा, पासबुक चेकबुक, हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ऐसे ही अंडररिटन के सारे टॉपिक्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, अंडररिटन की वीडियोस आती रहती हैं, और वीडियो को भी लाइक कर देना। अब मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप ओपन कर लिया है, यहाँ से मैं वेबसाइट खोल के सारा कंप्लीट प्रोसेस आपको शो करूँगा। अब हम चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। हम यहाँ पे गूगल पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम सर्च करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ पे मैं अगला प्रोसेस बताऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले इनकी कोटक महिंद्रा की वेबसाइट आ चुकी है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे ये 811 अकाउंट की वेबसाइट है, क्योंकि इन्होंने ऐड रन की हुई है। हम चलते हैं नॉर्मल वेबसाइट पे और इस तरह से वेबसाइट लोड हो जाएगी। हम चलते हैं एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स पे और यहाँ पे अकाउंट्स में हम सेविंग अकाउंट चूज़ करेंगे। सेविंग अकाउंट चूज़ करने के बाद यहाँ पे अलग अलग तरह के सेविंग अकाउंट्स आ चुके हैं। अब हम अपने वाला चूज़ करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम नीचे यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले 811 अकाउंट, ये आफ्टर रिटर्न के लिए है, ये भी आफ्टर रिटर्न के लिए है, और यहाँ पे ये वुमेंस के लिए, ये प्रो आ गया। यहाँ पे आ चुका है हमारा वाला जूनियर सेविंग अकाउंट फॉर किड्स, यानी कि अंडर 18 के लिए ये वाला अकाउंट है। सो अब हम चलते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ और नो मोर का ऑप्शन है। हम नो मोर को अलग टैब में ओपन करते हैं और अप्लाई नाउ को यहाँ पे। सबसे पहले हम इसके फीस एंड बेनिफिट्स जान लेते हैं। सो यहाँ पे ये वेबसाइट लोड हो रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी है, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे की बेनिफिट्स की बात कर लें, आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, 3.5% जौन सा भी बैलेंस आप इस अकाउंट में रखते हैं। उसके बाद आपका पर्सनलाइज डेबिट कार्ड मिलेगा, यानी कि डेबिट कार्ड पे आपका नाम हो जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आ चुका है अवेल NFC अकाउंट, यानी कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिल रहा है, आपको कोई भी बैलेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है डिस्काउंट एंड प्रिविलेजेस, यानी कि आपको डेबिट कार्ड पे जो भी ऑफर है उन सभी ऑफर्स का आप मज़ा ले सकते हैं। सो हमें डेबिट कार्ड फिजिकल तो मिलने वाला ही है, शायद हमें वर्चुअल कार्ड भी इनके ऐप में मिल जाए। उसके बाद हम चलते हैं फीस एंड चार्जेस पे, ताकि हमें कौन सा चार्ज देना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे आ चुके हैं फीस एंड चार्जेस पे, यहाँ पे आ चुके हैं जूनियर अकाउंट से अकाउंट इज अवेलेबल 3 वेरियंट्स, AG9A एंड प्लास्टिक एंड ACA एंड चार्जेस, यानी कि इनके जो से चार्जेस हैं 1 जून से चेंज हो गए हैं, क्योंकि हर मंथ इनके चार्जेस चेंज होते हैं। सो यहाँ पे मैं इनकी वेबसाइट पे आ चुका हूँ, जहाँ पे हमें पता लग जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले है, ताकि अगर हम मिनिमम बैलेंस नहीं रखते उसकी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है, और इसके जौन से भी चार्ज है वो सभी नॉर्मल अकाउंट के लिए सेम होने वाले हैं। सो अगर आपको नॉर्मल अकाउंट के पता है तो वही हो जाने वाले हैं। सो इसका मतलब चार्जेस की कोई बात नहीं है। अब बन गए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अकाउंट ओपन करने के लिए। आपको सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड या आधार कार्ड में से एक चीज़ लगेगी। अगर आप अंडर 18 हैं तो आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में भी आप पासपोर्ट या आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं। सिग्नेचर प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड या पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस अकाउंट के लिए पासपोर्ट या पैन कार्ड होना कंपलसरी है, नहीं तो पेरेंट्स का सिग्नेचर लगेगा। अगर आप खुद का सिग्नेचर लगाना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड या पासपोर्ट चाहिए होगा, लेकिन पैन कार्ड पे भी हमारे पेरेंट्स का सिग्नेचर ही होता है, सो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। माइनर प्रूफ में आपका फिर से आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लग जाएगा।
ओवरऑल बताएं तो आपका सिर्फ आधार कार्ड से अकाउंट ओपन हो जाएगा और थोड़े से पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड, लेकिन टीम का सिर्फ आधार कार्ड ही लगेगा। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें लेना पड़ेगा और साथ में हमें फोटोकॉपीज भी लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद आपको एटलीस्ट अपनी दो फोटोग्राफ्स भी लेके जानी पड़ेगी। ये है सारा ऑफलाइन के बारे में। उसके बाद मैं ऑनलाइन प्रोसेस भी बताऊंगा। अगर आपके पास माइनर का पैन कार्ड नहीं है तो आप छोटा सा एक फॉर्म 60 फॉर्म भर सकते हैं, आपको इसके बारे में पता तो होगा ही। उसके बाद बात आए बाकी बेनिफिट्स के बारे में, सो यहाँ पे हम करते हैं एलिजिबिलिटी ताकि कौन कौन ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आ चुका है हमारी एज अंडर 18 होनी चाहिए, वो तो हमें पता ही है। उसके बाद वो होना चाहिए रेसिडेंट, यानी कि आप इंडिया से ही होने चाहिए। उसके बाद गार्जियन कैन बी रेसिडेंट और एनर, यानी कि आपके पेरेंट के साथ ये अकाउंट ओपन होगा, आप इंडिविजुअली इस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ कोटक जूनियर प्रोपोजिशन, ये मेरे अकॉर्डिंग ऐसी है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे बाकी बेनिफिट्स के बारे में लिखा हुआ है, जैसे आप RD भी कर सकते हैं अपने अकाउंट में। अब बताई पासबुक और चेकबुक। सो गाइज, अगर आपको पासबुक और चेकबुक चाहिए वो भी आपको इस अकाउंट में मिल जाएगी, लेकिन वो पेरेंट्स के साथ लिंक होगी, यानी कि उस पर पेरेंट्स का साइन ही लगेगा। वैसे पासबुक की आजकल जरूरत नहीं पड़ती, सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अब बारी बात आई नेट बैंकिंग रिलेटेड। सो आप नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग दोनों ही यूज़ कर पाएंगे माइनर अकाउंट के साथ में। डेबिट कार्ड फिजिकल आपको घर पर मिल जाएगा। उसके बाद बात आए था कि बाकी फीचर्स के बारे में, वो तो मैंने आपको बता दिए। अब सबसे मेन, क्या हम इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकती हैं? सो अब हम चलते हैं अप्लाई नाउ के वे। सो मैंने यहाँ पे अप्लाई नाउ का टैग ओपन कर लिया है। सो यहाँ पे जब हम करते हैं, हमें अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड और उसके बाद हमें टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। जब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे उसके बाद इनकी टीम हमें कॉल करेगी और अगर हमारे एरिया पे डोर स्टेप बैंकिंग अवेलेबल हुआ तो वो घर पे आपके आपका अकाउंट खोल कर जाएंगे, नहीं तो आपको ब्रांच जाना होगा। अब बारी आती है ताकि हमें क्या क्या मिलेगा। सो आपको UPI देखने मिलना है जिससे आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे यूज कर पाएंगे। उसके बाद आप इजीली इसका डेबिट कार्ड कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग वगैरह हर फैसिलिटी मिलने वाली है। अकाउंट ओपन होने के बाद विद इन 7 days आपके घर पे वेलकम किट आ जाएगी। अकाउंट ओपनिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये वेरी करता है। एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो आप सभी फैसिलिटीज को यूज कर पाएंगे। सो गाइस, ये था सारा प्रोसीजर जौन सा BOB है इसका अकाउंट ओपन करने के लिए। फ्यूचर में मैं और सारे बैंक्स पे वीडियो डालने वाला हूँ, जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में सब में मैं माइनर अकाउंट आपको ओपन करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपसे ये वीडियो मिस ना हो। सो मैं मिलूंगा नेक्स्ट किसी धांसू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।